हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आज का जो ये एपिसोड है ये आपसे मैंने कुछ बात करने के लिए बनाया। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं चाहता हूँ आप करें अपने घर के नीचे, दूसरे जो डॉग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं उनके लिए। सो एज ऑफ यू गाइस नो, दिल्ली इस टाइम पे बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है और मैं भी दिल्ली से हूँ और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जो कि परेशानी से गुजर रहे हैं। मेरे जो बिल्डिंग है उसमें भी बहुत से ऐसी फैमिलीज़ है जो कि पॉजिटिव है। सो खैर, इसको उस डायरेक्शन में लेके नहीं जाते, बट यहाँ पे बात मैं करना चाहता हूँ कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब जो हमारे घर के आसपास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। काफ़ी सारे एनिमल्स जो है भूख प्यास की वजह से मारे भी गए थे और इंसान भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकता था और लॉकडाउन लगा हुआ था, रोड खाली थे और कहीं पे भी पानी, खाना, जैसे कि होता है ना कि इंसान चलते चलते किसी डॉग को बिस्किट खिला दिया, किसी डॉग को रोटी दे दी, किसी डॉग को पानी पिला दिया, तो ऐसा चलता रहता था। बट लॉकडाउन जब लगा तो सब बंद हो गया और काफ़ी जो एनिमल्स उनको प्रॉब्लम्स आई। तो अभी इस टाइम पे भी यही सिचुएशन आ रही है या फिर आ चुकी है बहुत सी जगह पे। जैसे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ गया है और मेरे घर के नीचे काफ़ी ऐसे डॉग्स हैं जो कि बिना पानी के ही इधर उधर भटकते रहते हैं, जीभ बड़ी कर करके। और मैंने जितना पॉसिबल हो सका है मेरी तरफ से किया है, मैंने मटके में पानी भर के रखा है और एक मिट्टी का बोल होता है उसमें भी पानी भर के रखा है, नीचे बर्ड्स के लिए पानी दे रखा है मिट्टी के बर्तन में ताकि ठंडा रहे। स्टील के बर्तन में देते हैं तो गर्म हो जाता है या फिर प्लास्टिक में देते हैं तो गर्म हो जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप लोग सेफ रहिए, अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही तो नीचे मत उतरिए, जब भी उतर रहे हैं तो मास्क, डबल मास्क पहन के उतरिए। मैं अभी अपने घर के बालकनी में बैठा हूँ फिर भी मैंने मास्क लगा रखा था, अभी बात कर रहा हूँ इसलिए उतार रखा है। सो जब भी उतरिए डबल मास्क पहन के उतरिए और ज़रूरत ना पड़ने पे ना ही उतरिए तो ज़्यादा बेटर है। आप में से बहुत से ऐसे यंग लोग होंगे मेरी तरह जिनके अंदर चुल मचरी होगी कि यार नीचे जाने को नहीं मिल रहा है, यार घर पे कैद हो गए हैं, यार नीचे घूमने नहीं जा सकते, नीचे हांडने नहीं जा सकते। तो मेरे को भी वैसा फील होता है, बट आसपास जो सिचुएशन देख रहे हैं हम, दिल्ली की जो सिचुएशन चल रही है, तो उन सबको देख के ये जो फीलिंग्स है कि इधर उधर घूमने जाना है, इधर उधर हांडना है, इधर नीचे होते हैं, इधर कुछ कर लेते हैं, तो वो सारी जो इच्छाएं हैं वो दब जाती है क्योंकि बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है दिल्ली में। आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा। खैर, उस बात को साइड में रखते हैं। तो नीचे जो डॉग्स हैं, जो बर्ड्स हैं हमारे घर के आसपास और जो गायें हैं, उन सभी के लिए हमारी एक इंसान होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हो सके पॉसिबल कर सके। अगर आपसे डॉग्स को एक टाइम खाना दिया जाता है तो आप एक टाइम दे सकते हैं, अगर आपसे उनको छोटे बोल में पानी दिया जाता है तो आप छोटे बोल में दे सकते हैं, बट जितना पॉसिबल हो सके, अगर तीन फैमिलीज में से एक फैमिली भी कोई आगे बढ़ के ये छोटी छोटी चीज़ें जो है घर के नीचे पानी दे देना, घर के नीचे खाना दे देना, ऐसे करते रहेंगे ना तो जो भी एनिमल्स वगैरह है जितना हो सके हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन के सिचुएशन में रोड खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, लोग नहीं हैं, कोई नहीं है जो कि चलते फिरते खिला सके, पानी इधर उधर पड़ा हुआ है तो पी लिया, क्योंकि काम धाम कुछ चल नहीं रहा, दुकानें बंद पड़ी है और इधर उधर पानी मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि एक प्यासे एनिमल को पानी पिलाना, वो बहुत ही अच्छा काम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये करें। अगर आपने भी अपने घर के आसपास या फिर घर के नीचे या फिर बालकनी में बर्ड्स के लिए या फिर डॉग्स के लिए जो है पानी या फिर खाना दिया हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आप है तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी वो स्टोरी मेंशन करूँगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मैं मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ पे जाइए, आप मुझे स्टोरी में मेंशन कीजिए, मैं वो भी अपनी स्टोरी में लगाऊँगा। और जितना हो सके अभी इस टाइम पर हमें एनिमल्स के लिए करना है, जितना हो सके हम ह्यूमंस के लिए भी कर रहे हैं, लोगों के लिए भी हेल्प कर रहे हैं और सभी को करना चाहिए, बट
दूसरी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी जिन पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे उस पे भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सो यही था आज का वीडियो, मुझे यही बातें करनी थी आपसे कि जितना हो सके पॉसिबल एनिमल्स के लिए बर्ड्स के लिए हम कर सके तो काफ़ी बेटर रहेगा, किसी न किसी की जान ज़रूर बचा लेंगे हम, चाहे वो इंसान के तौर पर हो या फिर जानवर के तौर पर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कल एक वीडियो आ रही है आप सभी के लिए स्पेशल, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।